क्वेश्चन नंबर टू, इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन टू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 60,000। लिख लेते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट्स। अच्छा, एडजस्टमेंट्स में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। अच्छा, अब इसमें डेप्रिसिएशन कितना है? ये दिया अपने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और 150,000 ओपनिंग है, 145 क्लोजिंग, तो 5,000 हो गया डेप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 50,000 ओपनिंग बैलेंस, 45,500 क्लोजिंग, तो 4,500 हो जाएगा एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये कौन सा क्वेश्चन? टू है ना। अब यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? ये इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000 क्या? वो पेड, वो बाद में आएगी, पेड में आएगा ना। यहाँ पे भी हम एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं। इसके बाद नीचे देखें, लिखा हुआ इंटरेस्ट पेड, पेड की वर्किंग होगी सर। यहाँ तो हम एक्सपेंस, क्योंकि देखिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए एक्सपेंस माइनस होता है, यहाँ पे हम उसको ऐड कर रहे हैं, पेड बाद में। अच्छा, इसके बाद इसका सम कर लेंगे। अब क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आपके ओपनिंग और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगे। ओके, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9,000। क्लोजिंग बैलेंस तो पहले क्या लिखा मैंने? अच्छा, रिसीवेबल पहले लिखे हैं। रिसीवेबल्स का ओपनिंग है 15,000, क्लोजिंग 12,100। डिक्रीज हो रहे कितने से? ये ऐड हो जाएंगे, डिक्रीज इन रिसीवेबल। के बाद इन्वेंट्री, स्टॉक में भी डिक्रीज आ रहा है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा 4,200। के बाद करंट एसेट, ठीक है। प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट्स में भी डिक्रीज आ रहे हैं, 300 का ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज, पेबल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, तब ये माइनस होंगे, पेबल्स माइनस करेंगे। एक्रुअल्स, एक्रुअल्स में भी डिक्रीज आ रहा है, ये भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सम कर लेंगे इसका। ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड माइनस करेंगे। अच्छा, अब हमें टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड निकालने के लिए कैलकुलेशन करना होगी, क्योंकि ये जो इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें जो इंटरेस्ट और टैक्स है, इंटरेस्ट 10,000 है, टैक्स 15, ये फॉर द ईयर होते हैं ना हमारे, एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब हमें क्या चाहिए? पेड, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। अब यहाँ बैलेंस शीट में देखें, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब पेड का अमाउंट कुछ और होगा। अब वो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट पेड। इसकी वर्किंग हमने की थी क्वेश्चन टू में डायरेक्ट मेथड से, देखिए वाली वर्किंग, उसका टी अकाउंट बनाया था। हाँ, वही वर्किंग होगी सेम जो हमने डायरेक्ट में की थी, वो इसका टी अकाउंट बनाया था। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे, और एक्सपेंस 10,000 जो हमने चार्ज किए वो क्रेडिट पर आएंगे। उसके बाद अकाउंट क्लोज किया तो डिफरेंस डेबिट पे आ जाएगा, वो होगा कैश पेड, तो वहीं से आ गया। अच्छा, इसी तरह जो टैक्स पेड था उसके लिए भी वोट में टैक्स अकाउंट बनाया था, वही देख लें 12 वाला, तो वहां से कितना आ गया था टैक्स पेड? 12।
और इसका सम कर लेंगे, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा आंसर डायली करें, दोनों का सेम आ रहा है, आंसर चेक करें। डायरेक्ट मेथड में क्या था, सेम। तो मेथड चाहे डायरेक्ट यूज करें या इनडायरेक्ट, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये कॉपी कर लें। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कहाँ खत्म हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अभी तो वो ऑपरेटिंग थे। ठीक है, अब दो क्वेश्चन हमने कर लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब एक क्वेश्चन करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, फिर एक क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। नहीं, इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होते। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में सेम फॉर्मेट है, दोनों मेथड्स में सेम फॉर्मेट है। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट दोनों मेथड्स में चेंज है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का फॉर्मेट दोनों मेथड्स में सेम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम एक एक बार ही सॉल्व करें। अब तो इतना तो उसका फॉर्मेट देख लिया जरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। अच्छा, अब ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आ रहा है, पेमेंट टू एक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेमेंट टू एक्वायर इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स राइट इंटेंजिबल एसेट्स, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। इसमें क्या बात हो रही है, सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट की बात हो रही है। इन शॉर्ट क्या कहेंगे आप, सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, दो चीज आ रही है ना, सेल परचेज ऑफ नॉन करंट। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर थ्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको तीन एसेट दिए हैं, लाइन बिल्डिंग और मशीन। तीनों के हमने सेल परचेज फाइंड कर लिया। अच्छा अटेंडेंस देते पहले। अच्छा, इसमें तीन एसेट है, लैंड बिल्डिंग और मशीनरी। अब इन तीनों में हमने सेल परचेज फाइंड कर लिया। अच्छा, पहले लैंड देख लेते हैं। लैंड का ओपनिंग बैलेंस है 4000, क्लोजिंग बैलेंस 6000 है, तो उसका मतलब इंक्रीज है। लैंड हमने परचेज तो की है। अच्छा, अब डिस्पोज किया नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो दो नंबर वाल, टू थ्री, अच्छा फाइव में लिखा हुआ लाइन हैज बीन, अच्छा फोर पहले, देयर इज नो डिस्पोजल ऑफ लाइन ड्यूरिंग द ईयर, डिस्पोजल तो नहीं है। फाइव में कह रहा है लाइन हैज बीन रिवैल्यूड बाय 5 लाख एट द एंड ऑफ ईयर, रिवैल्यू हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको एक दफा डायरेक्ट पहले समझाता हूँ, फिर डी अकाउंट भी बनाएंगे। इंक्रीज कितना आ रहा है टोटल, 2000 का इंक्रीज है, जिसमें से 500 का इंक्रीज तो रिवैल्यूएशन की वजह से आ गया, बाकी 1500, इसका मतलब बाकी 1500 की हमने लैंड एक्वायर की, खरीदी बाय की होगी। तो ठीक है, अब इसी को जरा कैलकुलेशन के थ्रू भी समझा देता हूँ। तो आंसर इसका 1500 ही आएगा, हमने 1500 की लैंड एक्वायर की। अब इसकी कैलकुलेशन एक टी अकाउंट बना के करते हैं, टी अकाउंट बना लेते हैं लैंड का। अब लैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4000 ओपनिंग है और 6000 क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस आ गया 4000 और क्लोजिंग बैलेंस 6000। अच्छा, रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी, जैसे तो हमने रिवैल्यू किया है लैंड को, इसकी एंट्री क्या होती है, कौन डेबिट, ऐसे डेबिट। हाँ, तो गेन ही है ना लिखा हुआ है, तो एसेट आपका डेबिट, यानी कि लैंड डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो लैंड डेबिट हो रही है, डेबिट करते हैं 500 से। डिस्पोजल अगर हो तो किस साइड पे आएगा, क्रेडिट पे आता है, तो फिलहाल डिस्पोजल माइनस कर दो। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, ये डेबिट साइड का टोटल आ गया, बल्कि क्रेडिट साइड का टोटल है 6000, डेबिट पे लिखेंगे, डेबिट साइड माइनस करते हैं, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 1500 का
और ये होगा हमारा एडिशन या परचेज ऑफ लैंड। हाँ, तो ये हमने 1500 के लैंड एक्वायर की। अच्छा, लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो कैश पे करेंगे, कैश पेमेंट होगी तो कैश आउटफ्लो होगा, इसलिए माइनस करेंगे। ये आगे पेमेंट टू एक्वायर लैंड 1500 नेगेटिव। अब नेक्स्ट है बिल्डिंग पे आते हैं। अच्छा, बिल्डिंग में कॉस्ट का ओपनिंग है 9000, क्लोजिंग बैलेंस 14000। उसके बाद नोट वन, ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग कॉस्ट 3 मिलियन, नेट बुक वैल्यू 18 लाख, वॉज सोल्ड फॉर 5 मिलियन। अच्छा, डिस्पोजल की बात हो रही है, उसके बाद फिर ये मशीनरी और कुछ भी नहीं, इसमें रिवैल्यूएशन नहीं है सर। ठीक, डिस्पोजल है तो एक्विजिशन हम फाइंड कर लेंगे, कितने के लैंड हमने बिल्डिंग हमने एक्वायर की है। तो उसके लिए हम बनाएंगे बिल्डिंग का टी अकाउंट, बिल्डिंग का टी अकाउंट बनाते हैं। अब बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है? बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 9000, ये हो जाएगा डेबिट, 9000 डेबिट हो गए। क्लोजिंग बैलेंस 14000 क्रेडिट पर आ जाएगा। सोल्ड आप सोल्ड किया है तो पहले वो लिखेंगे डिस्पोजल ना, अब नोटमेंट ड्यूरिंग देयर बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर इतना। तो आप क्रेडिट कितने से करें बिल्डिंग अकाउंट को? 30 लाख, 18 लाख, 50 लाख, क्या है 3 मिलियन? क्रेडिट किस अमाउंट से करेंगे ना? किया बिल्डिंग सोल्ड कर रहे हैं तो क्रेडिट किस अमाउंट से करेंगे? नेट बुक वैल्यू से करेंगे। जब हम एसेट एक्वायर करते हैं तो डेबिट करते हैं, किस अमाउंट से डेबिट करते हैं? जो उसकी कॉस्ट होती है। तो डिस्पोजल के टाइम पे क्रेडिट किससे करेंगे? उसकी कॉस्ट हो, कॉस्ट ही आएगी ना, तो कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे हम। अकाउंट भी कौन सा बना रहे हैं? कॉस्ट अकाउंट। तो एक्वायर करते हुए डेबिट करते हैं कॉस्ट से, तो डिस्पोजल के टाइम पे क्रेडिट भी कॉस्ट से ही करेंगे। कॉस्ट अकाउंट बन रहा है, कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 3000 यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन कुछ भी नहीं है और ये डिस्पोजल आ गया 3000 क्रेडिट। अच्छा, बाकी क्या लिखा है? बाकी तो ये इसकी दी है ना आपको, नेट बुक वैल्यू और सोल्ड कितने में वो दिया हुआ है ना, इससे तो हम वो निकालेंगे। लॉस गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट होगा, ये उसमें काम आएगा, लॉस गेन कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल हम बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट बना रहे, तो कॉस्ट हमने ली, क्रेडिट हो गया, रिवैल्यूएशन नहीं है। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 17000, 17 में से डेबिट साइड 9000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास 8000। एडिशन, अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो उसका मतलब हमने 8000 की बिल्डिंग एक्वायर की, राइट? तो ये यहाँ से, अच्छा, बिल्डिंग एक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा, पेमेंट है तो यहाँ से माइनस कर दें, माइनस हो गए। अच्छा, ये तो हमने न्यू बिल्डिंग एक्वायर की माइनस। अच्छा, अब यहाँ देखें नोट वन में बिल्डिंग डिस्पोज हो रही है ना, जो तो बिल्डिंग सेल करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा। जी है सर, कितने में सेल की है? 5000 5000, तो 5000 कैश इनफ्लो, तो ये भी आएगा यहाँ पर, तो से फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपके सेल, परचेज ऑफ बिल्डिंग आ गई, दूसरा एसेट हो गया हमारा कंप्लीट। डेप्रिसिएशन जैसा काम नहीं है ना, वो ऑपरेटिंग में आता है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इस पर कोई काम नहीं है। अच्छा, थर्ड एसेट है मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस 7000, क्लोजिंग 8500, इंक्रीज है। तो बिल्डिंग मशीन भी हमने एक्वायर की है, न्यू मशीन एक्वायर की है। बाकी नोट्स में क्या दिया हुआ है? नोट नंबर टू, मशीन सोल्ड कर रहे हैं, डिस्पोजल है। नोट नंबर थ्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ मशीनरी का। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज है, ये मशीनरी का हमें बुक वैल्यू दी गई और यहाँ बिल्डिंग की कॉस्ट थी, ये तो हमने कॉस्ट अकाउंट बना के एडिशन फाइंड कर लिया ना। अब यहाँ हमें मशीनरी का बुक वैल्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुक वैल्यू का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ ना। अब यहाँ मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट नहीं बनेगा, बुक वैल्यू अकाउंट बनेगा। अच्छा, और ये बुक वैल्यू अकाउंट हमने इससे पहले नहीं बनाया। अच्छा, बुक वैल्यू होती क्या है?
कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू, और नेट बुक वैल्यू हमारा अकाउंट हमने इससे पहले नहीं बनाया, नहीं पता, तो पहले काम करते हैं। ठीक है, मशीन की हमें, बिल्डिंग की हमें कॉस्ट दी हुई है, बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस होता है बुक वैल्यू ना, तो बुक, अच्छा बुक वैल्यू अकाउंट, अब अकाउंट कैसे बनेगा उसके हम ये करते हैं कि कॉस्ट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो हमने बनाए थे ना अलग अलग, ये तो पढ़ चुके हैं। अगर इन दोनों अकाउंट का मर्ज कर ले, मर्ज कर ले तो जो सिंगल अकाउंट बनेगा वो होगा आपका नेट बुक वैल्यू अकाउंट। तो नेट बुक वैल्यू अकाउंट असल में इन दोनों का कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मर्जर है। इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर लें, कंबाइन कर लें, तो जो अकाउंट बनेगा वो होगा नेट बुक वैल्यू अकाउंट। अच्छा, काम भी करते हैं समझने के लिए। अभी हम ये बिल्डिंग का कॉस्ट अकाउंट बनाया हमने, अब हम बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। इन दोनों को मर्ज करते हैं, एक बुक वैल्यू अकाउंट बना लेते हैं बिल्डिंग का। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मेट भी आ जाएगा बुक वैल्यू अकाउंट का, समझ में भी आ जाएगा अकाउंट बनता कैसे। उसके बाद उस फॉर्मेट को अप्लाई कर देंगे मशीनरी अकाउंट पे, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल अब हम समझने के लिए मशीनरी, बिल्डिंग का बुक वैल्यू अकाउंट और अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद मशीनरी पर आएंगे। कॉस्ट ये हमने बना लिया था बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट, तो मैं ये पे कॉपी कर रहा हूँ दोबारा, बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट। ठीक, अच्छा ये हमारी एक्स्ट्रा वर्किंग है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसे समझने के लिए कि बुक वैल्यू अकाउंट, नेट बुक वैल्यू अकाउंट कैसे बनता है। ये तो बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट जो भी हमने बनाया, अब हम बनाएंगे बिल्डिंग का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 3,000। क्लोजिंग बैलेंस? ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आ गया 3,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,500। अच्छा, और इसमें क्या आता है, और कौन से एंट्रीज आती हैं, क्या आते हैं? डेप्रिसिएशन वैडेड आता है, वैडेड में डेप्रिसिएशन आता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होता है ना, बैडेड क्यों बोल रहे हैं, बैडेड कह रहे हैं, बैडेड बोले ना, बैडेड अलग चीज है, डेप्रिसिएशन अलग है, क्या हो गया, दो अलग टॉपिक क्या पे बने। हाँ हाँ, तो वो बैडेड में आता था, ये डेप्रिसिएशन है, इसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। अच्छा, अब इसमें और क्या आएगा, और कौन सी एंट्री आती है, एक करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। और कौन सी एंट्री आती है, फिर बैड डेट पे चलेंगे, इंक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस, बैड डेट में आता है, क्या हो गया आपको, टेस्ट है क्या बैड डेट का? अच्छा, अरे जब डेप्रिसिएशन पढ़ने का कहा था, अगर आप लोग बजट पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, और कौन सी एंट्री आती है, याद है, डिस्पोजल की एंट्री आते हैं, डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, पहले एंट्री होती है डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट होता है, एसेट क्रेडिट वो क्रेडिट क्या ना, एसेट डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट। सेकेंड होती है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। थर्ड एंट्री होती है कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, तीन एंट्री आपकी। ठीक, तो एक एंट्री तो आ गई मशीन अकाउंट में, मशीन क्रेडिट हो गई, अब सेकेंड एंट्री आएगी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट, इसलिए कहा था पढ़ कर। अब इसमें हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, अब जो एसेट हमने डिस्पोज किया उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ पर डेबिट। जैसे देखिए डिस्पोजल के टाइम पे हमने कॉस्ट को क्रेडिट किया तो कॉस्ट माइनस हो गई। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसके अंदर इसका जो एसेट डिस्पोज हो रहा है उसका भी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा ना, तो उसको माइनस करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा ना। तो अब जो एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, ये कौन सा, ये बुक वैल्यू है तो डिफरेंस निकाल लें, 1200 आ जाएगा एक्यूमुलेटेड। तो 1200 से ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या रहेगा अब, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अच्छा, हमें क्वेश्चन में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो नहीं दिया हुआ ना, बिल्डिंग का, बिल्डिंग का
करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, फाइन कर लेते हैं। अब देखिए ये अकाउंट हमारा कंप्लीट है, इसमें सिर्फ क्या रह गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अगर हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं और इसका जो डिफरेंस निकलेगा वो होगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फाइन कर सकते हैं। ये डेबिट का टोटल आ गया, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट साइड आप माइनस करेंगे, 5700 से 3000 माइनस करेंगे तो ये 2700 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, और ये होगा हमारे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी, हाँ बिल्डिंग कहाँ से आ गई, क्योंकि ये पहले भी समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमने देखिए कॉस्ट अकाउंट बनाया था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, नेट बुक वैल्यू अकाउंट नहीं बनाया, तो पहले ये समझा रहा हूँ ये बनता कैसे, फिर इसको अप्लाई करेंगे मशीन पे जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट, ये एक्स्ट्रा वर्किंग, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं। अच्छा एक चीज और याद रख लें कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो फॉर्मूला लगता है ना स्ट्रेट लाइन, ये रिड्यूसिंग उससे निकलता है करंट ईयर डेप्रिसिएशन, लेकिन अगर इस तरह भी आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं, और ये आगे हम फाइंड करेंगे कि इसको भी याद रखते हैं। अभी आगे जब कोई क्वेश्चन करेंगे जिनमें कंप्लीट कैश फ्लो बनेगा तो उनमें हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर ही डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, इसमें आपको मेथड वगैरह गिवन नहीं होता। तो कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जब कैश फ्लो का, तो उसमें जो करेंट ईयर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो टी अकाउंट बना के, जैसे देखिए क्वेश्चन 1 2 अभी हमने किया था ना, 1 और 2 में डेप्रिसिएशन हमने कैसे निकाला था, डिफरेंस दे रहे थे, ये तो फिर सिंपल से क्वेश्चन थे तो डिफरेंस लेके हमने निकाल दिया था, लेकिन जो इसका कंप्लीट क्वेश्चन आता है उसमें आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये हर क्वेश्चन में बनेगा, तो ये याद रखिएगा। अच्छा अभी हो गया कॉस्ट अकाउंट, ये हो गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अच्छा अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, नेट बुक वैल्यू ना, ठीक है अब इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज करते हैं तो ये बन जाएगा नेट बुक वैल्यू अकाउंट। कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ, 6000 हो गया, कॉस्ट 9000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3000, तो बुक वैल्यू का ओपनिंग 6000, तो ये 6000 आ गया नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस। अच्छा कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस दोनों को माइनस करते हैं तो ये बुक वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, 9500 बुक वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस आ, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है देखिए भाई, डिस्पोजल, अब डिस्पोजल देखें, डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है, 3000, एक्यूमुलेटेड कितना है, तो बुक वैल्यू क्या हो गई 1800, 1800 से ये क्रेडिट हो जाएगा, तो इसमें हर चीज की बुक वैल्यू आएगी, ठीक। अच्छा ये बुक वैल्यू आ गई, उसके बाद अच्छा बी वैल्यूएशन है, अच्छा अब रिवैल्यूएशन अगर होगा तो एज इट इज आएगा, ठीक है अलाउंस अकाउंट में इसका क्रेडिट में रिवैल्यूएशन नहीं आ रहा, ठीक है ये जब भी कोई वैल्यू होगी एज इट इज आ जाएगी। अच्छा इसके बाद करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये भी एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ कॉस्ट अकाउंट में इसकी कोई डेबिट एंट्री नहीं, एज इट इज आ गया। इसके बाद ये हमने एसेट परचेज किया था एडिशन, इसकी यहाँ पे क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं, तो ये भी एज इट इज आ गया, ये कंप्लीट हो गया, सब चीजें आ गई। अब अकाउंट क्लोज कर देंगे, दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा, ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे क्लाइंट ड्रॉ कर दो, तो ये बन गया हमारे पास नेट बुक वैल्यू अकाउंट, इसका कंप्लीट फॉर्मेट आ गया, सही। अच्छा इसे देखिए, तो तीन चीजों की हमने बुक वैल्यू दी है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और डिस्पोजल, इन तीन की बुक वैल्यू आएगी नेट बुक वैल्यू, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आती है। अच्छा अब ये एक फॉर्मेट आ गया, अब इस फॉर्मेट को हम अप्लाई करते हैं मशीनरी अकाउंट पे जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है हमारे, ठीक है।
इसमें देख लें ओपनिंग क्लोजिंग और डिस्पोजल की हमने बुक वैल्यू ली है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ रही है सेम। ठीक, अब बनाते हैं मशीनरी का बुक वैल्यू अकाउंट जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस 7,000, क्लोजिंग बैलेंस 8,500। ये लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस 7,000, क्लोजिंग बैलेंस 8,500 हो गया। नोट नंबर टू, मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी बुक वैल्यू क्या होगी? ये तो कॉस्ट है ना। अब हम लेंगे नेट बुक वैल्यू, डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू आएगी 1,500 हो जाएगी, 2,500 माइनस 1,000, 1,500 आ जाएगी नेट बुक वैल्यू, और ये क्रेडिट हो जाएगा 1,500 से। अच्छा, मशीन को हमने रिवैल्यू तो नहीं किया, रिवैल्यूएशन नहीं है। इसके बाद आएगा अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, 1,500, ये क्रेडिट पर आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडिशन। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास होगी एडिशन 4,500। तो 4,500 की हमने न्यू मशीन एक्वायर की परचेज। अब ये वहां लिख लेते हैं पेमेंट टू एक्वायर मशीनरी। तीन होती है, एक थोड़ी होती है। क्या अभी आ गए यहाँ पे पेमेंट हो तो आए मशीनरी 4,500 क्या करें, एक थोड़ी है, तीन एंट्रीज होती है ना डिस्पोजल की, बताए तो डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, इसीलिए कहा था डेप्रिसिएशन पढ़ कर आइए। एफिड में पढ़ाया था ना, वही रिवाइज करके आना। अच्छा, ये तो हो गया पेमेंट, और इसके बाद हमने नोट नंबर टू, मशीन डिस्पोज कर रहे हैं, कितने में सेल हो रही है, 1,500 में सेल कर रहे हैं, तो ये आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी ना फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ मशीन 1,500। ठीक है, क्लियर? ओके, ये कहाँ से, यहाँ से है ना, नोट नंबर टू से। मशीन कितने में सोल्ड हो रही है, 1,500 में, तो ये 1,500 ऐड हो जाएंगे, कैश इनफ्लो है, ऐड हो गया। अच्छा, तीनों एसेट हो गए, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, तीनों का सम कर लेते हैं और ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, माइनस आ रहा है नॉर्मली से, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का आंसर नॉर्मली माइनस में ही आता है, क्योंकि ऐसे जब आप एक्वायर करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, डिस्पोज करते हैं तो कम में होता है ना, डिस्पोजल में कम में होता है, एक्वायर ज्यादा में होता है, इसलिए नॉर्मली इन्वेस्टिंग का आंसर नॉर्मली नेगेटिव ही होता है। ओके, जब इसको कॉपी कर लें, सब ये देखेंगे ये फाइनेंसिंग में क्या आ रहा है आपके पास, तो हो गया इन्वेस्टिंग, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसीड फ्रॉम न्यू लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, डिविडेंड पे, यानी कि इसमें बात करेंगे इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे, इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ, पहले आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। अच्छा, कैपिटल में क्या चीज आ रहे हैं, अच्छा आपका फाइनेंस है। अच्छा, कैपिटल में 30,000 का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमें 30,000 के न्यू शेयर्स इशू किए। अच्छा, नीचे देखिए लिखा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर्स ऑफ 2 फॉर 1 हेल्ड,
बोनस शेयर इशू हो रहा है। अच्छा बोनस शेयर्स कौन से होते हैं? जो मतलब फ्री में देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं, और इसको फाइनेंस कहाँ से करते हैं? शेयर प्रीमियम से ना। एंट्री क्या होती है? हाँ शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, डेबिट, शेयर कैपिटल, ट्रेड होता है। अच्छा इसमें कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा तो कैपिटल में इंक्रीज आ रहा है, ये बोनस शेयर्स की वजह से भी आ रहा होगा, उसकी कोई एडजस्टमेंट करें या ना करें? नहीं करेंगे। हाँ देखिए इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका प्रीमियम डिक्रीज हो जाता है और कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, तो इक्विटी में कोई चेंज आएगा? अगर कैपिटल और प्रीमियम का टोटल करें, बोनस शेयर से पहले और बोनस शेयर के बाद, इन दोनों के टोटल में कोई चेंज आएगा? सेम रहेगा ना, ठीक है। प्रीमियम डिक्रीज होता है डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट। जितने से प्रीमियम डिक्रीज होगा उतने से आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा ना, इसलिए इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। क्लियर? बात देखिए ना, अब इसका डिफरेंस है कि कितना आएगा 50, इसका डिफरेंस है कि कितना आ रहा है 50। अच्छा ये 30 और ये 50 है। अच्छा अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं सपोज 10,000 के, तो क्या होगा? 10,000 से कैपिटल इंक्रीज होगा और 10,000 से आपका प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया 60, डिफरेंस कितना वाला 40 हो गया, इंक्रीज हो गया 60 हो जाएगा ना, अच्छा और ये डिक्रीज होकर 80 रह जाएगा। इसका डिफरेंस कितना बनेगा? 40, इसका 40, तो टोटल कितना हुआ 80, और अभी टोटल कितना दोनों का? अभी भी 80 आ रहा है, तो बोल नहीं समझ रहा दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है? उन दोनों का डिफरेंस टोटल करें 80 हो गया। अब हमें 10,000 के बोनस शेयर इशू किए, उससे क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगा 16, और ये प्रीमियम डिक्रीज होके 80। अब डिफरेंस कितना बनेगा 40 का, इसका डिफरेंस कितना बनेगा 40 का, टोटल क्या बना 80। तो पहले भी 80 था, बोनस शेयर के बाद भी 80 रहेगा। तो बोनस शेयर इशू करने से इक्विटी में कोई चेंज नहीं आता, प्रीमियम आपका डिक्रीज हो जाता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, इसलिए बोनस शेयर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं, इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब कैपिटल का डिफरेंस है 30,000, तो 30,000 की मीन्स हमें न्यू शेयर इशू किए, कैश इनफ्लो हुआ, तो ये 30,000 एड कर लेंगे। अच्छा इसके बाद शेयर प्रीमियम में भी इंक्रीज आ रहा है 50,000 का, तो इसका मतलब है शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किए, तो ये भी कैश इनफ्लो हुआ, ऐड कर लेंगे, ऐसे ही पैसे आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, अच्छा ये आएगा नहीं आएगा, होता क्या ये? ये रिवैल्यूएशन तो नॉन करंट एसेट की होती है ना, एसेट इंक्रीज, डेबिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्रेडिट। अच्छा तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग? रिवैल्यू करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना, नॉन करंट एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, तो ये तो वहां जाएगा इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम इक्विटी में जरूर लिखते हैं, लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसको इग्नोर करेंगे। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहाँ से आता है? सेल परचेज से आता है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, प्रॉफिट रिटेन अर्निंग भी नहीं है, ऑपरेटिंग में आएगा ना। रिटेन अर्निंग क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ से आता है? सेल परचेज से, तो सेल परचेज क्या आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और उसमें आप देखें जो हमने इनडायरेक्ट मेथड किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, उसमें स्टार्ट कहाँ से ले रहे थे? प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट, तो रिटेन अर्निंग प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट, तो फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं होता, ये भी नहीं आएगा। लोन आ जाएगा, लोन से फाइनेंस रेज होता है ना, फाइनेंसिंग है। लोन में क्या डिक्रीज आ रहा है? डिक्रीज का मतलब हमने लोन रीपे किया है, कैश आउटफ्लो गया, तो माइनस कर देंगे, माइनस हो गए। उसके बाद डिबेंचर्स हैं, ये भी लोन ही होता है तरह का, अब इसमें क्या इंक्रीज आ रहे हैं? तो कैश इनफ्लो कैसे आ रहे हैं, ये आप ऐड कर दें। लोन का दूसरा नाम है, तो समझ लो सर्टिफिकेट होता है, ये भी एक लोन नोट्स, डिबेंचर्स भी कहते हैं। लोन नोट्स हमने पढ़े थे, लोन नोट्स को डिबेंचर्स भी कहते हैं, बॉन्ड्स भी कहते हैं।
लोन नोट्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स एक ही बात। अच्छा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सम कर लेते हैं और ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंप्लीट। ये आसान है सबसे, कुछ भी नहीं कर रहे क्या। 2% वो इंटरेस्ट रेट है। हाँ एक मिनट, देखिए इसमें क्या था, 8% है ना, जब आप लोन लेते हैं तो लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, तो कितना देंगे 8%। ये डिबेंचर्स भी लोन ही होता है, लोन के अगेंस्ट इश्यू होते हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना 2%। तो ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, उसका कोई काम यहाँ पे नहीं है फाइनेंस। ठीक है, अब ये कॉपी कर लें।